अभी स्लो स्लो, चक्कर आएंगे चक्कर आएंगे। अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे आबाद होंगे। बुरहान जो है वो वीर के साथ खेलने आए हो, ऐसे डांस कर रहे थे, करके दिखाओ। हाँ वो देखो, इतना हसन तो करता है, बुरहान भी करता है, करो। आहा जी आहा आहा, दोनों करो दोनों करो। घर आने के बाद सबसे पहले जी अपनी डीम डाइट प्रिपेयर करनी होती है। ये मैंने जी यहाँ पे स्मोकी स्टीम जो है वो चढ़ाया हुआ है। अबीर की मामा नहीं है, वो अगर हो भी तो मैं खुद ही बनाता हूँ। वो लोग भी आज आ जाएंगे, वो रिजल्ट के बाद दो तीन दिन के लिए रहने के लिए गए हुए थे। ये रहा जी अपना स्मोकी चिकन स्टीम बन के रेडी हो चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। अगर आपने इसकी रेसिपी जाननी है तो मेरी पिछली वीडियोस में है बारबेक्यू फ्लेवर चिकन स्टीम रेसिपी, आप जाके देख लें, बहुत ज़बरदस्त बनता है। अबीर लोग आ गए हैं जी। अबीर लोगों को मैंने बोला था कि मैं लेने आ जाता हूँ, तो कहने लगे घर के आगे से वैन आती है, हम लोग उस तरफ से निकल पड़ते हैं। आप स्टॉप पर आ जाइए गाँव से 6-7 किलोमीटर दूर, जहाँ पे जहाँ से वैन गुजरेगी, तो हम लोग यहाँ से निकल पड़े हैं, आप हमें स्टॉप से ले लीजिएगा। तो मैंने कहा ये भी ठीक है जी, टाइम बचाने की अच्छी टेक्निक है। लीजिए अपनी फैमिली जो है वो वापस आ चुकी है छुट्टियाँ गुजार के, लेकिन अनफॉर्चुनेटली छुट्टियाँ जो है ना वो इनको ज़्यादा नहीं हुई, 2-3 छुट्टियाँ हुई हैं पूरे साल में। ये दिन जो है ना, एक गर्मियों की छुट्टियाँ होती हैं और एक ये, हाँ, और तीसरा ये जब बीवियों ने मेके जाना होता है। लेकिन ये है कि 2-3 छुट्टियाँ हुई हैं, स्कूल वालों ने नोटिस भेज दिया कि बच्चों को भेजें, नई बुक्स लें और क्लासेस जो है ना वो शुरू होंगी। इधर आओ। किधर? हाँ मिराल बहुत खुश हो रही है इत्तज़ा से मिलके। इत्तज़ा बेबी आ गई है। अच्छा बिलाल, अच्छा मैं कितने दिनों बाद आई हूँ, लिफ्ट तो करा दो। गुड मॉर्निंग जी, एक और दिन का आगाज हुआ चाहता है और टाइम है नाश्ते का। नाश्ते में है जी देसी अंडे का ऑमलेट। यहाँ पे वीर साहब जो है जी शामी कबाब के साथ नाश्ता करेंगे। इसके अलावा ये रहा जी अपना पराठा, नो पराठा कैलोरी कटिंग। ये रही जी अपनी सूखी रोटी, पराठा खाएगी अबीर की मामा, और अबीर फिर अबीर की मामा कहती है कि जी वेट कम नहीं हो रहा है। मजाक कर रहा हूँ, वेट तो उसका नॉर्मल ही है, ये ना हो के बाद में ब्लॉग देख के तो मेरी शामत आ जाए। ये जी कमिश्नर रोड पे एक मशहूर तरीन ठिकाना है जी, पकोड़े टिकियाँ और सस्ता खाना। आज के दौर में सस्ता खाना मिल जाना भी एक नियमत है, यहाँ पे रश लगा ही रहता तकरीबन। बेटा जी बेटा आदल नहीं, बेटा बाबा बाबा, बेटा आदल नहीं। अब वो किसने सिखाया आदल? बाबा बोलो बोलो बाबा। बाबा बोलती है या फिर आपको मैं आवाज देती हूँ आदल, फिर वो भी कहती है आदल। अब मैं तुम्हें तो कह नहीं सकता कि बाबा बोला करो, ताकि वो भी मुझे बाबा बोले। वैसे बाबा बोलती है, जब मैं आवाज देती हूँ फिर वो भी वही कहना स्टार्ट। तो खुदा का नाम है, तुम बाबा कहना ना स्टार्ट कर देना। आपने बाबा बोला या आदल बोलना? आदल ना बेटा, बाबा देखो भैया, भैया तो बाबा कहते हैं। कहाँ है लेना है? चलो बैठो फिर। सलाम अलैकुम बाबा जी। हाँ जी चलो लो फिर झूला। वाओ बहनी छोटी है, बहनी तो नहीं बैठ सकेगी? वाओ अभी स्लो स्लो, चक्कर आएंगे चक्कर आएंगे। मिराल भैया ने झूला ले लिया, मिराल को नहीं दिया। बेटा अभी आप छोटी हो,
थोड़ी सी बड़ी हो जाओ फिर आप भी झूले पे बैठना ठीक है। अभी आप जीजी वाली दुकान से जीजी लो, वो देखो जल्दी लो जो उनसे लेनी है जल्दी लो, कूलिंग जाया हो रही है, जो दिल है ले लो यार जल्दी करो टाइम ना जाया करो, डोनट लेनी है ले लो। मीराल ने चीज ले ली है, वीर ने भी आइसक्रीम ले ली, वीर मुझे दो चलो दूल्हा लेने किधर जा रहे हो। इसी के साथ मोहम्मद आदिल को दीजिए इजाजत, जहाँ रहिए खुश रहिए, अपना ढेर सारा ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।